में दिल्ली नगर निगम के जेई ने बेलदार को बोले जाति सूचक शब्द। पीड़ित बेलदार ने बुलाई दिल्ली पुलिस। बेलदार ने बताया अधिकारी बकता है माँ बहन की गाली। क्या अरविंद केजरीवाल सुनेंगे दलित बेलदार की पुकार। पीड़ित बेलदार ने किया दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़। आपको जो करना है कर लो। आप इस वक्त मैं मौजूद हूँ बख्तावरपुर वार्ड नंबर 5 में और दिल्ली नगर निगम का जो ऑफिस है ये यहाँ पर बनाया गया है। एक बता दें कि एक स्टोर है यहाँ पर जिस पर करीब 30 कर्मचारी जो है काम करते हैं। और बात कर लेते हैं जो यहाँ पर कर्मचारी है उसने बताया है कि जो इनके यहाँ अधिकारी जो जेई हैं वो इनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको लेकर इन्होंने दिल्ली पुलिस को भी जानकारी दी है। PCR भी मौके पर आई है। बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संदीप है। संदीप जी क्या है पूरा मामला बताएंगे जरा। सर 31 तारीख को हमारे यहाँ पे एक बेलदार था जो रिटायरमेंट था। सर का फोन आया संदीप। एक बेंच आते हैं हमारे जो MP फंड से आते हैं उस बेंच को डलवाने के लिए इन्होंने मेरे को अनऑथराइज जगह पे बेंच डलवाया। कहाँ पर डलवाया था वो बेंच? जो कि हमारा एरिया भी नहीं लगता और अनऑथराइज जगह पे काम कराते हैं और अनऑथराइज जगह पे मेरे से इन्होंने बेंच डलवाए। मैं उनकी फ़ोटो भी ले रखी है, लोकेशन फ़ोटो, GPS फ़ोटो। और उसके बाद मैं कहने लगा सर आज हमारे यहाँ पे रिटायरमेंट है और बारिश भी आ गई है तो हम कल करवा देंगे। तो इन्होंने करा यानी यह शब्द बोले तेरी बहन की, तेरी माँ की, तुम साले नीच हो, तुम नीच हो, नीच रहोगे और तुम साले कुछ काम नहीं करते हो। ये कल आता हूँ मैं तेरे को ये बताता हूँ। मैंने कहा सर फ़ोन पर गाली मत दो। तो रिकॉर्डिंग है आपके पास? नहीं रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन ये इनकी लैंग्वेज ये थी अजय रिकॉर्डिंग कर ले जो तेरे पे होता हो। अच्छा ये बोला। तो इस मामले की जानकारी जो आपके DC हैं नरेला के उनको जानकारी दी आपने? नहीं सर, क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब थी, कल मैं आया नहीं। कल संडे है, मैं मंडे को जाऊंगा। अच्छा और लिखित रूप में दे के आऊँगा। ये तो आज कर रहे तो और बेलदारों को ये करेगा। कितना स्टाफ है यहाँ, किस तरह के काम कराए जाते हैं स्टाफ से? सर ये है कि हमारे यहाँ पे टोटल 37 आदमी है टोटल। उसमें से जो आते नहीं है वे 8-10 आदमी जो आते ही नहीं है जिनसे ये महीना लेते हैं। अच्छा 10-10,000 रुपये महीना लेते हैं। और मेरे को बोलते हैं साले कल तेरे को नाले पे लगाऊंगा, तू MTS है। मैंने कहा सर हम नाले पे काम नहीं करेंगे, हम जो है बेलदार हैं, 4th class का हमारा बेलदार की फाइल है, हमारे फादर बेलदार कार्य करते हुए एक्सपर्ट होते हैं, उसकी पोस्ट पे हम लगे हुए हैं, लेकिन ये हमें नाले पे भेजता है। तो सर मैंने इसलिए मना कर दिया। तो फिर आज फिर ये गाली देने लगे और कहने लगा तेरे को ऐसी जगह तेरा ट्रांसफ़र करूँगा तो तेरे को याद रखेगा। मगर सर आप बदतमीजी ना करें, हमें ड्यूटी करनी है, ट्रांसफ़र करोगे यहाँ नहीं करोगे, हम काम करना कहीं और करेंगे। तो इसने कहा तू अभी भी बोलने लगा तू यहाँ से निकल बाहर। मैंने कहा सर मैं ड्यूटी पे हूँ परजेंट, मेरी 5 बजे छुट्टी होगी, मैं 5 बजे ही जाऊँगा। तो जो स्टाफ बता रहे हैं आप जो 37 लोग हैं, कुछ लोग जो नहीं आते हैं, कभी उनके मामले को लेकर आपने अधिकारियों को अवगत कराया इस मामले को लेकर? और जो जो अधिकारी हैं क्या नाम है उनका जिन्होंने गाली आपको जाति सूचक जो शब्द बोले, क्या नाम है उनका? नाम है जी कैलाश यादव। देखो जी जो आदमी नहीं आते वो जे ही साहब है, कहते हैं कि मेरे को खर्चा निकालना पड़ता है, अगर भाई पर बताते हैं काम की तो मेरे को पैसे लेने पड़ते हैं कर्मचारियों से, मेरे को भी खर्चा देना पड़ता है, ये इनकी लैंग्वेज थी। हाँ जी। तो अभी आपने PCR पर भी कॉल की है, क्या लग रहा है आपको कि दिल्ली पुलिस की तरफ से आपको जो है सहानुभूति मिलेगी या फिर जो आपके जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से सहानुभूति मिलेगी? और जो आपकी जो लेबर की जो संस्था है दिल्ली नगर निगम की, क्या उनसे भी संपर्क करेंगे आप? हाँ बिल्कुल करेंगे, उनको भी अवगत कराएंगे कि हमारे साथ ऐसे ऐसे जाति सूचक व्यवहार किया जा रहा है और इनकी जो लैंग्वेज है काफ़ी दिन से गलत है। मैं तो सोचता चल कोई नहीं साहब है पर लेकिन ये बड़े ही गंदे इंसान हैं, इनके बड़े बड़े बाल हैं और ये सोचते हैं मैं यहाँ का बदमाश हूँ और 10-10 आदमियों की हाजिरी भरते हैं जी ये 10,000 रुपये महीना एक आदमी से लेते हैं। मैं उनके नाम बता दूंगा, लेकिन पहले मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि मेरे को कुछ नहीं कहते कोई बात नहीं, पर लेकिन ये इनको ही बोलने लग रहे हैं। ठीक है सर, अब देखने वाली बात होगी दिल्ली नगर निगम के जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं वो इस पर क्या कार्रवाई करेंगे। बात करते हैं
तो कितने लोग हैं जो इस तरह के जो लोरी जाते हैं? सर ऐसे तो किसी का क्या नाम लेना सर, लेकिन हम इसी से पूछो ना यही बता देंगे सर। आप सुबह, आपको सुबह पता लग जाएगा। अच्छा, कितने आदमी तो बड़ा दिल्ली नगर निगम में बड़ा घोटाला भी हो रहा है। घोटाला जी हमारे को भेजता जी, जा तुम गलियां नाप लाओ। सर वो गली जो पहले से नपी हुई है उसको कैसे नाप के होते, तो डबल डबल नपवाते हैं जी। मेरे को प्रेशर दे रखा है जी। आज भी मैं चार गांव की गली नापने लग रहा हूँ, इन्हें जबरदस्ती जी ने मेरे से गली नपवाई है, और उस गली में पहले से ही फलड का काम चला हुआ है। अच्छा, और उससे फिर मेरे से नपवाते हैं, मेरे को दबाव देते हैं, मेरे को धमकी देते हैं, तेरा ट्रांसफर कर दूंगा। तो मैं एक बेलदार में कहाँ जाऊँगी बताओ। क्या उम्मीद है आपको कि जो आपके दिल्ली नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो इस भ्रष्टाचार में लड़ने के लिए आपका साथ देंगे? ये तो सर कर्मचारी का कौन साथ देता, अफसर अफसर का साथ देता, लेकिन फिर भी मैं मंडो को जाऊँगा, नरेला जोन, अपने DC साहब से मिलूँगा, एक्शन साहब से मिलूँगा, क्या कहते हैं, और ऐसे आप मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप ऐसा कार्रवाई करो जो किसी और कर्मचारी को गाड़ी ना दे या सदस्य ना बोले। तो जो दिल्ली नगर निगम में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो कार्रवाई करेंगे इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ? वो तो सर आप दिखाओगे मीडिया पे तभी पता लगेगा ये क्या कार्रवाई करते हैं, उन तक रिपोर्ट जाएगी, क्या बात होगी वो जानेंगे। अब क्या कह सकते हैं, इतना तो बड़ा मैं नेता नहीं जो बहुत पहले ही बता दूँ कि ये हो जाएगा, तो ये बताएंगे नेता जी। आप लोग हमारा साथ दिया, आपके हमारे कहने पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अब मैं आपसे आशा रखता हूँ मेरे को इंसाफ मिले आगे, ये किसी बेलदार से बदतमीजी ना बोले, और असुत जातिवाद के बाद में ना बोले। नीचा का मतलब क्या होता है, हमारे भी बच्चे इनके भी बच्चे हैं, तो उनको तमीज़ से बात करनी चाहिए। ये भी तो कॉन्टेक्ट पे है, हम भी कॉन्टेक्ट पे हैं, तो इन चीज़ों को इसको ध्यान में रखना चाहिए, और अलीगल काम ना कराया जाए। मैं उसकी सारी रिपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ जो इन्होंने मेरे से गलत काम नपाई कराई है। ऑलरेडी फ्लड का काम चला फिर भी कहते हैं नाप के ला, तेरे को क्या। आज भी मैं दो गलियां नाप के लाया हूँ ऑलरेडी फ्लड के। ये मैं कौन कौन सा इलाका था? ये जी ये है जी, एक तो है जी सुंगरपुर गाँव, एक मोहम्मदपुर गाँव। अच्छा, मैं लेके आया हूँ, मैंने इनके पास व्हाट्सअप भी किया हुआ है। ठीक है सर, कैमरे में बता दीजिए, मेरे को नाम बता दीजिए सर। नहीं आप क्यों नहीं, इसने बुलाया आपको? हाँ जी, मेरे पास तो कॉल है कि आप PCR पे कॉल हुई है। नहीं, PCR पे कॉल हुई, अच्छी बात है। एक मिनट, मैं अपने बोल देता हूँ ना, इसने बुलाया है सर, बोल दो। मैं अपने हमारे अपने अधिकारी हैं उनको सूचित करना मेरा वो होता है। बता दीजिए कि बता रहे हैं कि जाति सूचक शब्द भी बोले हैं आपने? नहीं, जाति सूचक से इसकी रिकॉर्डिंग होगी ना? ना ना, बता देंगे सर एक बार क्या है पूरा मामला एक बार। सर ये अपने कुछ मीडिया को लेकर आ गया जी, और ये पूछे कि क्या मामला है। ये कोई मीडिया वाले हैं, इनको लेकर आ गया, कह रहे जी क्या मामला है, ये यहाँ नाटक कर रहा है ये सर, ये हमारा जो बेलदार है काम करता नहीं है, अब ये मीडिया वाले सामने खड़े हैं। ये कोई मतलब हमारे कौन से कहाँ से हो आप? फसल न्यूज़ से हो? अच्छा, ठीक है, चलो सर ठीक है, मैं टैकल करता हूँ। ठीक ठीक है सर, हैं नहीं, मैं अपना सवाल इससे पूछो ना, इसने बुलाया हुआ है, इसके पास सारा नाम होगा मेरा, तो मैं ये जी हमारे काम वाम करने के लिए हमने इसको बुला जी। ठीक है, तो ये काम तो कर रहा नहीं है, फिर कहता है जी मैं इंग्लिश नहीं जानता, मुझे हिंदी में लिख के दो। मैंने कहा चलो हिंदी में लिख के दे देते हैं तुम्हें, जो भी उसके बात कर लेंगे। नहीं आप कहते हो ना, अब आप मेरा ले रही हो इंटरव्यू, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ। इन्होंने बताया कि जाति सूचक शब्द भी बोला? ना ना, ये गलत बता रहा है, जाति सूचक आपको काम नहीं करना, तो आप बोल सकते हो मैं जाति सूचक बोला या कुछ भी बोला शब्द, आप ऐसे आप मुझे बोल सकते हो, फिर तो ऐसे आपके यहाँ कोई काम भी नहीं करेंगे, सारे जाति सूचक शब्द हम बोलेंगे। कितना स्टाफ होगा यहाँ पर? यहाँ 30 लोग हैं जी। आपको जो करना है कर लो आप। देखने वाली बात होगी कि दिल्ली नगर निगम के आला अधिकारी इस मामले को लेकर क्या संज्ञान लेते हैं, क्योंकि जो फोर्थ क्लास का एम्प्लॉई है वो लगातार अधिकारियों पर आरोप लगा रहा है कि उसके साथ जाति सूचक शब्द बोले गए हैं और उन्हें गालियां भी दी गई हैं। अब ऐसे में दिल्ली सरकार में बैठे अरविंद केजरीवाल ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाएंगे? दिल्ली से नीति सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।